गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ चार मधुराय श्लोकाय का अंतिम श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आपने श्लोक 1, 2, 3, 4 पढ़े हुए हैं और उनके शब्दार्थ भी आपने याद किए होंगे। अब आपको श्लोक नंबर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनात अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। ये आपका श्लोक है, इसका अन्वय नीचे दिया गया है। लोके यानी संसार में चंदनम चंदन जो आप टीका लगाते हो चंदन का मंदिरों में देखा हुआ है, तो वो चंदन की बात की जा रही है। चंदनम यानी चंदन, शीतलम यानी ठंडा, चंदनात अपि चंद्रमा, चंदनात पंचमी भक्ति लगी हुई है, चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में चंदन शीतल होता है और चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है, ठंडा। चंद्र चंद्र नयो मध्ये, चंद्र चंद्रमा और चंदन के मध्य में जो सज्जन लोगों की संगति होती है, सज्जन लोगों का साथ होता है, वो बहुत अधिक शीतलता प्रदान करता है, मन को प्रसन्नता देता है। भावार्थ है संसारे चंदनम शीतलम भवति, बिल्कुल साधारण भाषा में है कि संसार में चंदन शीतल होता है। चंद्रः चंदनात् अपि अधिकः शीतलः भवति, चंद्रमा चंदन से भी अधिक ठंडा होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये सज्जनानां मित्रता अधिका शीतला भवति, चंदन के और चंद्रमा के मध्य में यानी बीच में साधु यानी सज्जन लोगों की मित्रता जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान करती है, ठंडक देती है, प्रसन्नता देती है। अर्थात सज्जनानां मित्रता चंद्रनाथ च अधिका शीतला भवति, अर्थात सज्जनों की दोस्ती चंद्रनाथ का मतलब है चंद्रमा से और चंदन से भी अधिक शीतल होती है। अतः सज्जनै सह मित्रता करणीयः, इसलिए सज्जन लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। यहाँ जो चांद यानी मून और जो चंदन जो हम जिसका हम तिलक लगाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खुशी या प्रसन्नता जो अच्छे लोग होते हैं उनकी संगति हमें करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन को प्रसन्न रखते हैं। इसलिए बच्चों ये जो मधुरा श्लोका में 5 श्लोक आए हुए हैं ये आपको पढ़ने हैं, यही आज आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।